तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने कल रात का मुकाबला देखा ही होगा, चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो मैच हुआ, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ 217 रन बना दिए थे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स भी टारगेट को पीछा करते करते 205 रन तक पहुंच गई थी। सिर्फ 12 रन से चेन्नई सुपर किंग्स को जीत मिली थी, लेकिन इस जीत के बावजूद भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कल हमने गुस्से में देखा। जी हाँ, धोनी को हमने कल गुस्से में देखा। आप सभी लोग हैरान हो गए होंगे कि जो कैप्टन कूल बोले जाते हैं वो कैसे गुस्सा कर सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, वो आपको इस वीडियो में मैं आप बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज और आप हैं आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स यारी पर। तो देखिए, मामला ये है कि कल सीएसके के बोलर्स ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्राज दिए हैं। जी हाँ, उन्होंने 13 वाइड गेंदे की हैं और 3 नो बॉल, यानी कि अगर इन दोनों को मिला लें तो 16 गेंदे बढ़ जाती हैं। 16 गेंदों का मतलब होता है आपने 2.5 ओवर एक्स्ट्रा दे दिया, और अगर 3 नो बॉलों की बात करें तो उस पर फ्री हिट भी होता है, तो अगर उस पर छक्का चौका आ गया तो आपने लगभग 25-30 रन के आसपास तो एक्स्ट्राज में ही दे दिए। और इस बात को लेकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने गेंदबाजों से बहुत ज्यादा नाखुश नजर आए, और उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया कि अगर बोलर्स ने ये बदलाव नहीं किया, अगर बोलर्स ऐसे ही एक्स्ट्राज देते रहे तो वो एक नए कप्तान के अंडर खेलेंगे। अब अगर धोनी ऐसी बात बोल रहे हैं कि वो नए कप्तान के अंडर खेलेंगे, तो इसका मतलब है इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बोलर्स अगले मैच में भी ऐसी वाइड देंगे तो धोनी हम सब जानते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी कैप्टनसी छोड़ सकते हैं। उन्होंने जैसे भारत के लिए टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी थी आउट ऑफ नो वेयर, कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि धोनी कप्तानी छोड़ेंगे, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। जब उन्होंने रिटायरमेंट भी लिया तो कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि धोनी इस वक्त रिटायरमेंट लेंगे, तो वो रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया था। और इस साल आईपीएल शुरू होने से पहले भी ऐसी बातें आ रही हैं सामने कि ये आखिरी आईपीएल होगा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का, और अब वो कॉन्फ्रेंस में ऐसे बोल रहे हैं कि वो नए कप्तान के अंडर खेलेगा, सीएसके के बाकी प्लेयर्स नए कैप्टन के अंडर खेलेंगे, तो इसका मतलब है कि ये बात सीरियसली लेने वाली है। वहीं कल धोनी ने एक नया कीर्तिमान भी बनाया है। धोनी ने 5000 रन कंप्लीट कर लिए हैं आईपीएल में, लेकिन खास बात ये रही है कि उन 5000 रनों में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी कम गेंदें खेली हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है जो दर्शाता है कि महेंद्र सिंह धोनी कितने कमाल के बल्लेबाज हैं, क्योंकि रोहित और विराट तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, धोनी नंबर 5-6 पर आकर बल्लेबाजी करना और 5000 रन बनाना उनसे भी कम गेंदें खेलकर, ये दर्शाता है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ने किस तरीके की बल्लेबाजी की है ओवर द ईयर्स इन आईपीएल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सभी लोगों के लिए खास काम है, वो काम है माई 11 सर्कल को आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का रास्ता आप सभी को पता होना ही चाहिए, और वो रास्ता है डिस्क्रिप्शन का लिंक। जी हाँ, स्पोर्ट्स यारी के वीडियो सेक्शन में जाएं, आप किसी भी वीडियो पर जाइए, वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको माई 11 सर्कल का मिलेगा लिंक, उस पर कीजिए टैप, माई 11 सर्कल को डाउनलोड कीजिए और अपनी टीम बनाइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।